दोस्तों, हम जो भी टैली में काम करते हैं वो हमारा डेटा है वो बहुत ही वैल्यूएबल रहता है। कंपनी की पूरी डिटेल्स हमारे ये टैली में ही रहती है, तो हमेशा हमें डर रहता है कि कहीं हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट ना हो जाए या फिर हमारा डेटा है वो डिलीट ना हो जाए। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही है दोस्तों, आपको रेगुलरली आपके टैली का बैकअप लेना पड़ेगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो डेटा है उसका बैकअप ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। मैं हूं दिया पटेल एंड आप देख रहे हैं अकाउंट्स एडवाइस। दोस्तों, हम यहाँ पे सीख रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा टैली प्राइम। अगर आपको टैली प्राइम सीखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी नोट्स वगैरह हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। बैकअप लेने के लिए यहाँ पे हमें गेटवे ऑफ टैली में ही दोस्तों यहाँ पे डेटा में जाना है, तो हम यहाँ पे अल्ट वाई उसका शॉर्टकट की जो है वो प्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है बैकअप का, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सिलेक्ट कंपनीज फॉर बैकअप, यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ेगा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ की, हमें कहाँ पे हमारा ये जो टैली का बैकअप है वो लेना है। तो दो तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ फोल्डर में स्पेसिफाई पाथ और एक है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो स्पेसिफाइड पाथ का क्या होगा, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आएगा स्पेसिफाई फाइल पाथ। तो हमने हमारे कंप्यूटर में जो भी फोल्डर बनाया होगा और वो फोल्डर का हम लोगों को यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ देना पड़ेगा। तो हम एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ पे फोल्डर बनाया है जैसे कि सी ड्राइव में डेटा प्राइम का, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और ये जो पाथ है वो हम कॉपी करेंगे। यहां से हम लोग करेंगे कॉपी, तो हमारा जो बैकअप है वो सी ड्राइव में डेटा टैली प्राइम जो है वहां पे ओपन होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल सी और हमारे टैली में चले जाते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाइड फाइल पाथ है, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी और हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम एक बार फिर से एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे है कंपनी नेम और नंबर, जितनी भी कंपनी आपने टैली प्राइम में ओपन की है उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे सिंपली एंटर एंटर करते रहना है और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे पूरी कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। अगर आपको ये तीन कंपनी का ही बैकअप लेना है तो आप यहाँ पे सिंपली एंड ऑफ लिस्ट करके फिर एंटर करना है। बट मान लो हम लोगों को पूरी कंपनीज का बैकअप लेना है तो हमें सिंपली यहाँ पे एंटर एंटर करते रहना है और यहाँ पे पास में आपको पूरा जो बैकअप का डिटेल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें करना है एंड ऑफ लिस्ट, एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें करना है एक्सेप्ट, यहाँ पे हम यस के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर बाय प्रेस करेंगे। तो हमारा जो पूरा कंपनी का टैली प्राइम का बैकअप था वो वही फोल्डर में चला गया है। तो हम हमारे फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, हमने सी ड्राइव में डेटा प्राइम का फोल्डर बनाया था तो पूरी कंपनीज यहाँ पे हमें दोस्तों दिख जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो बैकअप है वो हमें मिल गया। अगर आपको देखना है कि ये 10,000, 10,001, 2, 3 जो है वो कंपनी कौन से नेम से है तो यहाँ पे आप जा सकते हो हमारे टैली प्राइम में, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में F3 प्रेस कर दीजिए और देखिए कि कौन से नंबर के अगेंस्ट में कौन सी कंपनी है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी करेंगे, यहाँ पे आपको पूरे नंबर और यहाँ पे कंपनी के जो भी नेम होंगे वो दिखेंगे। दोस्तों अभी हम जाते हैं एस्केप करके बाहर। तो हमने यहाँ पे दोस्तों स्पेसिफाइड पाथ वाला जो ऑप्शन है उसको लेते हुए बैकअप ले लिया है। अगर यहाँ पे मान लो हम फिर से जाते हैं बैकअप में, एंटर करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर आपको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का यूज करके बैकअप लेना है तो हम यहाँ पे करेंगे एंटर। यहाँ पे आपको चूज करना है कि कहाँ पे आपको बैकअप लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेस्कटॉप पे लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और आपको जो भी फोल्डर है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, तो मैंने वो चूज कर लिया। इसके बाद में हम एक बार फिर से एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अपने जितनी भी कंपनीज बनाई होगी टैली प्राइम में वो पूरी यहाँ पे आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए हमारी पूरी जितनी भी कंपनीज है उनका हम बैकअप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें ये तीन कंपनी का बैकअप नहीं लेना है, यहाँ पे हम लोग एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे यस, तो हमारी जितनी भी कंपनीज है उसका बैकअप हो गया है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे दो तरीके से बैकअप लिया है, स्पेसिफाइड पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो दोस्तों इस तरीके से आपको टैली का बैकअप लेना है। कितना सिंपल था ना, फिर भी हम हमेशा भूल जाते हैं हमारा बैकअप लेना। तो आप ध्यान रखें रेगुलरली आप बैकअप लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो, कहीं ना कहीं हेल्प हुई है, तो प्लीज आप ये वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको टैली प्राइम सीखना है। तो आइए मिलते हैं हमारे नए क्लास में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।